Maka, ito na si Cassie. हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप भी जहाँ होंगे खुश होंगे। और आज है धनतेरस, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए सुबह का क्लिप है, बाबू स्कूल बच्चों के लिए भुजिया और रोटी बना दिए हैं, लेकर चले गए हैं स्कूल। और देखिए यहाँ पर अब बनाने हम जा रहे हैं पालक की दाल। तो दाल, चने की दाल को इसे रख दिए हैं गर्म होने के लिए। पालक को चलते हैं अच्छे तरीके से, इसकी सब काट कर धोकर साफ़ कर लेते हैं। ये 1 kg है तो इसमें बहुत कूड़ा कचरा निकलेगा साफ करेंगे तो। सो गाइस देखिए यहाँ पर मैं पालक को धोकर आप काट रहे हैं। आप कोई भी साइज में बड़ा या छोटा काट सकते हैं, क्योंकि दाल में जान सीटी लगी तो गली जाएगी। और इसमें 3-4 सीटी लगेगी तब हो जाएगी। और तब तक हम चलते हैं तड़के के लिए लहसुन मिर्ची सब काट लेते हैं और काट कर रख देते हैं। और इधर हम देखिए चावल ले लिए हैं, चलते हैं। चावल में जो भी है इसे साफ कर धोकर रख देते हैं, क्योंकि जब दाल बन जाएगी तो चावल बनाना है और रोटी बन गई है। और देखिए यहाँ पर मेरे चावल और पालक का दाल बन गया है और हम जा रहे हैं खाना खाने। सो फ्रेंड्स देखिए शाम हो गई, शाम के 2-3 बज रहा होगा, इसलिए बर्तन हम धो रहे हैं, धोकर साफ करके रख देंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ जो कल डब्बा धोए थे, ये रंग बिरंगे डब्बा आए, इसे अलमारी में लगा दिए हैं, सूख गया है डब्बा मेरा। देखिए मेरी फिर से शुरू हो गई है दिवाली की सफाई। और 2 रूम बच गया था और कल मैं सारा अपना रूम साफ कर ली थी। यहाँ पर सब बोड़ैया है जो आता है यूरिया डाई का, तो उसे चलते हैं चपत कर अच्छी तरीके से रख देते हैं। या देखिए रैक पर चढ़े हैं, अंधेरा है, लाइट बार कर साफ कर रहे हैं। कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए यही ड्रम है, इसी में भर कर इसका जो पैक कर देंगे, बांध देंगे, क्योंकि इसमें चूहा वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं तो सब काट देते हैं। और ये आटा का मेरा डब्बा है, इसे धोकर धो लिए हैं, धोकर के चलते हैं छत पर रख देते हैं, क्योंकि धूप है अभी सूख जाएगा। और ये मेरा खेत का ताज़ा सब्जियाँ आ गया है, देखिए लौकी, अरे बैंगन है, चिचिंडा है। और सो गाइस देखिए इधर हम आ गए हैं अपने भैंस के यहाँ। और ये अभी देख रही हैं, इन्हें चलते हैं, ये चारा बाल कर रखा है, डाल कर मिला देते हैं तो ये खाने लगेंगे। ये नाद है, इसमें पानी भरा है पीने के लिए। और ये देखिए ये बड़े हो रहे हैं, इनका सिंग भी निकल रहा है। ये गोबर है, तगाड़ी में भर दिए हैं और चलते हैं इसे खेत में और ये देखिए मिला दिए हैं, खा रहे हैं दोनों। सो फ्रेंड्स देखिए शाम का समय है और ये मंदिर बनाई है दीपावली के लिए, अभी आज ही बनाई है, आज सूख जाएगा तो कल इसकी रंगेंगी। देखिए बच्चे हैं जो भी बनाए अच्छे ही बनाए। और ये गणेश भगवान बनाए हैं और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे दिए बनाए हैं अपने अनुसार। समय हो गया
है, आलू उबाल दिए हैं और खिचड़ी बनाने के लिए चावल और मूंग दाल धोकर रख दिए हैं। इधर प्याज लहसुन और सूरन को काट दिए हैं। देखिए अंधेरा होने वाला है और मैं तुलसी माँ के यहाँ दीपक जला दी हूँ। और देखिए यहाँ पर सुबह का समय का है और यहाँ खेत से आ गया धान, इसे भी पीटना है। देखिए इधर हम पीट रहे हैं, पीट कर भैंस को चारा के लिए मशीन में बला जाएगा। देखिए गांव में इसी तरह धान को पीटा जाता है। अभी हरा आता जल्दी छूटता नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। यहाँ पर देखिए मेरा पिटा गया, ये थोड़ा सा बच गया, इसे पीटना है। जो ये धान जो पीटे हैं इसे धूप में डाल देंगे, सूख जाएगा। और देखिए वो अगले दिन का सब पीटा है, इसी में सूख जाएगा, तो एक दिन उसा कर सब मशीन में जाकर ये कूटा जाएगा धान। सो गाइस मेरा धान वन सब पीटा गया है और देखिए अब मैं यहाँ पर बैठ कर बातें कर रही हूँ। और आज का मेरा वीडियो यहीं तक की थी। पसंद आए तो लाइक करें, न्यू हो तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।